फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने चैनल काशिफ इलेक्ट्रिक में आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे सीलिंग फैन के अंदर जो डाई लगाते हैं उसके बारे में, उसकी प्राइस क्या होती है और ये कितनी किस्म की डाइयाँ होती है और किन किन पंखों में कौन सी डाई लगाई जाती है। पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है तो इसी टॉपिक पर आने वाला है, तो अभी वीडियो को इन्जॉय कीजिए और इसके अंदर पूरी डिटेल जानिए कि ये सीलिंग फैन की डाइयाँ कहाँ से मिलती हैं और ये सीलिंग फैन के अंदर जो डाई लगाते हैं इसकी कितनी टाइप होती हैं और कौन कौन सी डाई कितने पंखों में किस टाइप के पंखों में लगाई जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इस इंफॉर्मेशन को अपने हाथ से जान। तो दोस्तों हम आ गए हैं सीलिंग फैन बनाने वाली मशीन की जो डाइयाँ हैं उसकी तरफ। ये है सीलिंग फैन के अंदर जो हम पंखे बनाते हैं, सीलिंग फैन जो हम बनाते हैं उसकी डाइयाँ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सब बताऊंगा कि ये इनकी प्राइस क्या होती है और ये कहाँ से मिलती हैं, इनका इनको ख़रीदने का तरीका कार क्या होता है, आप इसको कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन डाइयों के बारे में बता दूं कि ये डाइयाँ कौन सी डाइयाँ हैं और किन किन पंखों में ये डाइयाँ लगाई जाती हैं। ये सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये है 36 सलाड़ वाला पंखा, जो सीलिंग फैन होता है उसके अंदर डाई जो लगती है ये उसके लिए है। ये डाई ये ऊपर वाले जो हमारा कॉयल होता है उनके अंदर लगाई जाती है। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो छोटी डाई नज़र आ रही है ये भी 36 सलाड़ वाले पंखे की डाई है। जो हमारा एक स्टेटर जब हमारा तैयार होता है तो उसके अंदर दो डाइयाँ लगती हैं, एक छोटी एक बड़ी। जो छोटी होती है वो ऊपर वाले टर्नों के लिए होती है और जो बड़ी होती है नीचे वाले टर्नों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि जो भी सीलिंग फैन होता है हर सीलिंग फैन की अलग अलग टाइप की डाई होती है और हर सीलिंग फैन के अंदर अलग अलग टाइप की डाइयाँ लगाई जाती हैं। और उसके बाद मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, ये भी हमारे पास जो डाई है ये है हमारी डाई 36 सलाड़ वाले पंखे की। मतलब जो आप ये दोनों डाइयाँ देख रहे हैं ये सेम एक ही डाइयाँ हैं, ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है तो इसके लिए हम इसको अलग कर दिया हमने। तो उसके बाद अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, तो ये है हमारी जो पुरानी डाई हो चुकी है। तो ये डाई हमारी मिल्लत वाला जो पंखा होता है उसकी है पुरानी लेकिन बहुत ही बेस्ट काम कर रही है हमारे पास। तो ये है हमारा मिल्लत का जो सीलिंग फैन होता है उसके लिए ये यूनिक डाई होती है। मतलब ये आमतौर पर सिर्फ मिल्लत वाले पंखे में लगती है और किसी के पंखे में नहीं लगती, सिर्फ ये मिल्लत वाले पंखे के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो आप न्यू डाई देख रहे हैं ये है हमारे 32 सलाड़ वाला जो पंखा होता है उसके लिए, ये डाई हमारा 32 सलाड़ वाला पंखा होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये डाई आप जो देख रहे हैं ये बड़ी वाली डाई है, ये इसका फंक्शन ये होता है कि जो हमारे सीलिंग फैन के अंदर जो नीचे वाले कॉयल होते हैं, नीचे वाली टर्न जो हम सबसे पहले डालते हैं उसके लिए ये डाई इस्तेमाल की जाती है। तो उसके बाद जो हमारी ये छोटी डाई है ये छोटी डाई हमारा काम करती है ऊपर वाले टर्नों को रिवाइंड करने का। तो दोस्तों ये जितनी भी डाइयाँ हैं अलग अलग टाइप की डाइयाँ हैं और अलग अलग पंखे में लगाई जाती हैं, ये डाई अलग टाइप है और ये डाई अलग है। और इनकी प्राइस मैं बता दूँ कि ये नई वाली है, सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाई उसकी प्राइस सबकी अलग है। तो सबसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जो मैं आपको ये डाइयाँ दिखा रहा हूँ इनकी अलग अलग प्राइस है। तकरीबन आपको बता दूं ये आपको मिल जाएंगी गुजरांवाला के अंदर 6 से 7 हज़ार रुपये की डाई मिलती है। वैसे तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आप बनवा लें, ये डाई वैसे नहीं मिलेगी, अगर आप बनवाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।